फैम, वेलकम बैक टू माई चैनल। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्टी मेकओवर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, और अगर कंटेंट अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे कमेंट में बताना ज़रूर कि आप लोग को मेकअप कैसा लगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेकअप में हमारा सबसे फर्स्ट और बेसिक स्टेप होता है CTM। CTM में हम अपना स्किन प्रेप करते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लिनजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो मैंने ऑलरेडी अपने स्किन पे टोनर एंड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है, और हम डायरेक्टली अब मूव करेंगे प्राइमर की ओर। तो प्राइमर लगाने से होता क्या है बेसिकली, तो जब हम प्राइमर लगाते हैं तो ये हमारे जो यहाँ पे जो ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर देता है। मिनिमाइज़ करने के बाद हमारा जो मेकअप होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनता है। इनसाइड कॉस्मेटिक्स से जो कि है 3-in-1 प्राइम प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइजर प्राइमर। तो प्राइमर को हम भी अपने टी जोन पे फोकस करते हुए लगाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन पोर्स यहीं पे होते हैं। तो मैं लगाऊंगी अपने फोरहेड पे और अपने टी जोन्स पे। देख सकते हैं, कभी भी प्राइमर को हम ऐसे रब नहीं करते, उसको ऑलवेज अपने फिंगर्स के हेल्प से ऐसे प्रेस करते हुए स्प्रेड करना है, ताकि हमारे पोर्स में अच्छे से फिल हो जाए। तो प्राइमर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फाउंडेशन। तो फॉर फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिटमिस फाउंडेशन। मैं डॉट डॉट करके इस वे में अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने पूरे फेस और नेक पर फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। तो विद हेल्प ऑफ ब्रश मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंड करने का भी एक तरीका होता है, कैसे? कभी भी फाउंडेशन को जब हम ब्रश से ब्लेंड करते हैं तो उसे ऐसे ड्रैग नहीं करते, उससे क्या होगा, आपको पूरा प्रोडक्ट वाइप ऑफ होकर बाहर आ जाएगा। फाउंडेशन को हमेशा ऐसे टैप टैप करके ब्लेंड करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा फाउंडेशन कितने अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। फाउंडेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कंसीलर। कंसीलर जो होता है, हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, अनइवन एरिया होता है, उसको कवर करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करूँगी, हम बहुत ही कम अमाउंट, एकदम मिनिमल अमाउंट के साथ में कवर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कंसीलर को अपने हाइलाइटिंग एरियाज और अपने अंडर आइज पर अप्लाई कर लिया है, और अब मैं इसे ब्लेंड करूंगी इस टाइप के टेपर्ड ब्रश की हेल्प से। कि मेरा कंसीलर कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है, और अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमारे बेस को करेंगे सेट। तो बेस को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर फ्रॉम बेला वोस्टी। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी हाइलाइटर पैलेट, जिसमें का ये पिंक शेड आई एम टेकिंग। एक्सेस प्रोडक्ट को ऑलवेज ऐसे टैप ऑफ कर लें। टैप ऑफ करने के बाद ब्लश मैं अप्लाई करूंगी। मुझे अपने फेस में ना एक लिफ्टिंग इफेक्ट चाहिए, तो हम उसे ऐसे सी शेप में अप्लाई करेंगे। यू कैन सी कि मैं किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। कॉन्टोर यहाँ से स्टार्ट करके चीक, मतलब ब्लश के नीचे अप्लाई कर रही हूँ यहाँ। नेक्स्ट मैं अपने नोज को कंटूर करूंगी, जिसके लिए मैं अपने साइड्स ऑफ द नोज पे हम अप्लाइंग दिस कंटूर पाउडर। बहुत ही जेंटल अमाउंट में अप्लाई करेंगे, बहुत हार्श नहीं लगना चाहिए, जस्ट एकदम नेचुरल लुक आई वांट।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये जो फोरहेड का ये वाला एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसे भी मैं कंटूर करूँगी। तो यस, हमारा कंटूर कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे हाइलाइटर के लिए। तो हाइलाइटर आप किस बहुत सारे वे से अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं अब यूज़ कर रही हूँ इस तरीके का फैन ब्रश। फैन ब्रश की हेल्प से मैं हाइलाइटर सबसे पहले अपने चीक बोन्स पे अप्लाई करूँगी अबव द ब्लश। सेम वे मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज और फोरहेड पे भी अप्लाई कर रही हूँ। यस गाइस, हमारा फेस मेकअप अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने आई मेकअप की ओर। तो यस, आई बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर और उसे अपने आई लिड्स पर अप्लाई कर रही हूँ। तो कंसीलर मैंने अप्लाई कर लिया और इसे ब्लेंड करने के लिए फिर से मैं ये टेपर्ड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और इसे डैप डैप करके ब्लेंड कर लूँगी। तो देख सकते हैं कि कितना फ्लॉलेस आई बेस मिला है। अब नेक्स्ट हम इसे अगेन कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से सेट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं अपने आईलिड्स पर अप्लाई करूंगी एक ट्रांजिशन कलर। ट्रांजिशन कलर मैंने पिक किया है हूडा ब्यूटी पैलेट से, ये लाइट पिंक कलर। लाइट पिंक कलर पिक करके मैं उसे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्लेंड कर लूंगी। कि हमारा आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल होने वाला है, तो अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे टुवर्ड्स आई लाइनर। तो यस गाइस, मैंने अपना आई लाइनर ऑफ कैमरा कम्प्लीटली अप्लाई कर लिया है और जब तक हमारा आई लाइनर ड्राई होता है तब तक हम अप्लाई कर लेंगे लिपस्टिक। सो द लिपस्टिक विच आई एम यूजिंग, इसका कलर इज वेरी प्रिटी। ये मैंने ऑफलाइन लिया था लोकल मार्केट से। गाइस यू कैन सी कि मैंने कितने अच्छे से लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया है और अब हमारा आईलाइनर भी ड्राई हो चुका है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे आईलैशेस के लिए। सबसे पहले मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ आईलैश कर्लर। मैंने अपना आई लैशेज को कर्ल कर लिया है एंड नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मस्कारा। गाइज मैंने बहुत अच्छे से अपने आई लैशेज को मस्कारा से कोट कर लिया है एंड हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है आई लैशेज, जो कि मैं ऑफ कैमरा अप्लाई कर लूंगी। सो मिलते हैं हमारे फाइनल लुक के साथ। तो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये लुक बहुत ही सिंपल होने वाला है बट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर कंटेंट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नीचे कमेंट में बताना जरूर कि आप लोगों को कैसा लगा।